नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके ऐसे सवाल को लेकर के जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है लोगों को, स्पेशली तब जब कोई प्रॉपर्टी ओनर है जिनके नाम पे प्रॉपर्टी है, उनकी डेथ हो गई है और उनके जो लीगल हेयर्स हैं, जो वारिस हैं, जो सर्वाइविंग मेम्बर्स हैं, उनको आगे समझ नहीं आता है कि ये प्रॉपर्टी हम कैसे बेचें, हमारे नाम पे कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, तो इसको कैसे बेचा जा सकता है या इसको कैसे डील किया जा सकता है, इसके डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी। तो आज मैं आपको इसी बारे में बताने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूज़फुल वीडियोज़ आपको रेगुलरली मिलते रहें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर नए वीडियो का रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी है आपकी फैमिली में और जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी थी उसकी डेथ हो गई है सडनली, तो ऐसे में आप उस प्रॉपर्टी को कैसे बेच सकते हैं या अपने नाम करवा सकते हैं ताकि आपका टाइटल या आपकी ओनरशिप उस प्रॉपर्टी पे क्लियर आए और कोई और उस पे दावा ना कर सके, और आपको कभी भी, आज ही नहीं आने वाले फ्यूचर में, कभी भी बाद में भी उस प्रॉपर्टी को बेचने में कोई तकलीफ ना हो, उस प्रॉपर्टी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है जो अक्सर हमारे देश में पेरेंट्स, माँ बाप या ज़्यादा उम्र के लोग तो अक्सर ही करते हैं कि जब भी उन्हें लगता है कि अब काफ़ी उम्र हो चुकी है, या कई बार लोग शुरू में भी अपनी प्रॉपर्टी की विल बना देते हैं, यानी कि वसीयतनामा तैयार कर देते हैं, और इससे उन्हें लगता है कि एक बार अगर उनकी प्रॉपर्टी का वसीयतनामा बन गया उनके बच्चों के नाम पे, उनके फैमिली मेंबर्स के नाम पे, उनके स्पाउस के नाम पे, जिसको भी वो प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, तो उन्हें लगता है कि लीगल टाइटल कम्प्लीटली क्लियर हो गया, अब इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर दोस्तों, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो विल है अपने आप में एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट जनरली नहीं माना जाता है, उसमें काफ़ी सारी बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जैसे कि सबसे पहली जो प्रॉब्लम है कि विल अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसकी मान्यता उतनी ज़्यादा नहीं होती, ऑल दो विल एक ऐसा प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है जिसमें एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट इसको रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि कई बार लोग विल जो है, वसीयत जो है, ऐसे वक्त में बनवाते हैं जब वो मौत के बिल्कुल करीब होते हैं, जब वो डेथ बेड पे होते हैं, जिस समय पर रजिस्ट्रार ऑफिस जाना या उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाना पॉसिबल ही नहीं होता है। तो विल इकलौता ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी नहीं है। अनरजिस्टर्ड विल भी जायज़ होती है, नोटरी अटेस्टेड विल भी जायज़ होती है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो भी उसकी सैंक्टिटी इतनी ही होती है। बट प्रॉब्लम जब प्रॉपर्टी ओनर की डेथ हो जाती है, संपत्ति मालिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद उस विल को प्रूव करना एक दिक्कत का काम हो जाता है, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। दूसरी जो समस्या आती है दोस्तों विल में या वसीयत में, कि हमेशा किसी भी व्यक्ति की आखिरी विल जो है, आखिरी वसीयत जो है, वो मान्य होती है। यानी कि ऐसे में अगर एक व्यक्ति ने अपनी मृत्यु से 7 साल, 5 साल, 10 साल या 2 साल पहले भी कोई विल बनाई है, और जब उसकी मृत्यु होती है और कोई और फैमिली का मेंबर या वारिस ऐसा आ जाता है जो कहता है कि इस पर्टिकुलर विल के बाद उन्होंने एक और विल उस व्यक्ति के नाम पे बनाई थी, तो जो आखिरी विल अपने मृत्यु से पहले उन्होंने बनाई थी वही वैलिड मानी जाएगी, उससे पहले की जितनी भी विल थी, जितनी भी वसीयत थी, वो अपने आप ऑटोमेटिकली खारिज हो जाती हैं, इनफ्रक्चुअस हो जाती हैं, वो इनवैलिड हो जाती हैं। तो ऐसे में ये साबित करना कि जो आपके पास आपके नाम की विल है वही आखिरी विल है, वो भी एक दिक्कत का काम है। दूसरा, क्योंकि विल आखिरी विल साबित करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ज़्यादातर जो खरीदार हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी थ्रू विल आपसे ख़रीदना चाहते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि आपके पास उस विल का प्रोबेट ऑर्डर हो थ्रू कोर्ट। जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाते हैं प्रोबेट करवाने, तो ऑब्वियसली इंडियन कोर्ट्स का जो लॉन्ग ड्यूरेशन है, लंबी तारीखें हैं, उससे काफ़ी समय लग जाता है एक विल का प्रोबेट ऑर्डर लेने में। प्लस जब आप विल का प्रोबेट ऑर्डर फाइल करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्शंस कॉल फॉर की जाती हैं बाकी लीगल हेयर्स की, या कोई और ऐसा व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी में बेनिफिशियरी हो सकता है, क्लेमेंट हो सकता है, तो सबकी ऑब्जेक्शंस मंगाई जाती हैं, और इन सब लोगों की एनओसी के बाद ही आपको विल का प्रोबेट ऑर्डर मिलता है। अगर एनओसी नहीं हो पाती है
एनओसी नहीं मिलती है या किसी की ऑब्जेक्शन आ जाती है, तो फिर आपको वो पूरा केस लंबे समय तक लड़ना पड़ता है, और केस जीतने के बाद ही आप उस प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट ओनर बन पाते हैं। तो ये था एज रिगार्ड्स विल। अगर वो व्यक्ति विल करके ही नहीं मरा, तब ऐसे में क्या कर सकते हैं? तो इसमें दो तरीके हैं कि पहला, कि अगर आप उनके इकलौते वारिस हैं, आप उनके सोल सर्वाइविंग लीगल हेयर या सर्वाइविंग मेंबर हैं, तो ऐसे में आपके पास टाइटल डॉक्यूमेंट कैसे आएगा? तो इसमें जो तरीका है दोस्तों, कि आपको कोर्ट में लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का केस फाइल करना होता है, वो भी अंडर प्रोबेट लॉ ही आता है। तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में, और वहां से आपके फेवर में एक बार जब ऑर्डर आ जाता है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ऐसे में आप उस संपत्ति के मालिक डिक्लेयर हो जाते हैं। तो ये तो हुए विल से रिलेटेड, यानी कि टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट, यानी कि विल है तो क्या होगा, आपको प्रोबेट करवाना है। अगर इंटेस्टेट डेथ हुई है, यानी कि उन्होंने कोई टेस्टामेंट अपने मृत्यु से पहले नहीं बनाया है, कोई विल नहीं बनाई है, तो ऐसे में आपको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना है। बट ये दोनों ही लंबे प्रोसीजर हैं, थ्रू कोर्ट आपको फॉलो करना है, प्लस इसमें ऑब्जेक्शन आने के चांसेस भी रहते हैं, जिसे फिर आपको केस लड़ना पड़ सकता है। तीसरी चीज जो इसमें कर सकते हैं दोस्तों, कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी प्रॉपर्टी मालिक की जब मृत्यु होती है, तो सबसे पहला काम जो करना है, आपको इमिडिएटली उनके डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, जो कि बिल्कुल जिस वक्त डेथ हुई है, और जब आप उनके क्रीमेशन रिचुअल्स या राइट्स के लिए जाते हैं, उसी वक्त आपको डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई करके सबसे पहले डेथ सर्टिफिकेट निकलवा लेना है। और डेथ सर्टिफिकेट के बाद आपको इमिडिएटली सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट, जिसे कि हम लीगल हेयर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, जिसको हिंदी में वारिसान प्रमाण पत्र भी कहा जाता है, उसके लिए अप्लाई करके आपको वो इमिडिएटली निकलवा लेना चाहिए। जनरली जो अर्बन एरियाज हैं, वहाँ पे एसडीएम ऑफिस से, यानी कि सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के ऑफिस से आप ये अप्लाई कर सकते हैं सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट या लीगल हेयर सर्टिफिकेट, और वहां से निकलवा सकते हैं, जिसका एक प्रोसीजर है, जनरली 10 से 15 दिन में आप ये निकलवा पाते हैं। अगर आप रूरल एरिया से हैं, जिनकी मृत्यु हुई है वो रूरल एरिया में रहते थे, तो वहां पे आप ग्राम पंचायत से भी ये सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट वारिसान प्रमाण पत्र निकलवा सकते हैं, या फिर जो एरिया के तहसीलदार हैं उनको भी पावर है कि वो वारिसान प्रमाण पत्र इशू करें। तो आप ये सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट निकलवा लेते हैं जब, तो ये पता लग जाता है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके कितने लीगल हेयर्स थे। सपोज कीजिए कि इन लोगों के 3 या 4 लीगल हेयर्स थे, 4 से हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कि अगर मृतक व्यक्ति के 4 लीगल हेयर्स थे, तो इसमें किया ये जा सकता है कि अगर सपोज आपके पास विल है या नहीं भी है, दोनों ही केसेस में, जो प्रोबेट से या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा आसान काम है वो ये है कि जो बाकी के 3 लीगल हेयर्स हैं, वो उस व्यक्ति को जिसके नाम पे विल थी या जिसको वो प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, उस व्यक्ति के नाम पे, अगर वो दिल्ली की प्रॉपर्टी है, तो रेलिंकुशमेंट डीड रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। ये सबसे आसान, सबसे फास्ट और सबसे सस्ता काम है, क्योंकि ये 100 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी इसमें लगती है, सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर्ड हो जाता है, और आपको हार्डली 1 दिन का समय लगेगा, सिर्फ 1 दिन भी नहीं, आपको कुछ घंटे के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है, और आपका लीगल हेयर सर्टिफिकेट रेलिंक्विशमेंट डीड रजिस्टर्ड हो जाएगी उस व्यक्ति के नाम पे जिसको ये सारे वारिस मिल करके प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। ऐसे में सपोज कीजिए 4 में से 2 लोग को प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, तो जो रिमेनिंग 2 लोग हैं वो इन 2 लोगों के नाम पे जॉइंट रेलिंक्विशमेंट डीड भी कर सकते हैं, जिससे कि इन 2 लोगों के नाम पे एक टाइटल डॉक्यूमेंट आ जाएगा, और वो एक एब्सोल्यूट टाइटल डॉक्यूमेंट कहलाएगा, और उसके बेसिस पे वो प्रॉपर्टी आसानी से बेच पाएंगे, खरीद पाएंगे। देन अगर यही प्रॉपर्टी हरियाणा में है, तो ऐसे में वहां पे रेलिंक्विशमेंट डीड नहीं होती है, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट और वारिसान प्रमाण पत्र तो वहां पे भी चाहिए। उसके बाद जो सारे लीगल हेयर्स हैं वो किसी एक के नाम पे रजिस्टर्ड ट्रांसफर डीड कर सकते हैं विद इन ब्लड रिलेशन। अगेन ट्रांसफर डीड विद इन ब्लड रिलेशन में कोई स्टाम्प ड्यूटी की जरूरत नहीं है, 0 स्टाम्प ड्यूटी लगती है हरियाणा सरकार के अंडर। तो अगेन आपका ये काम बहुत सस्ते में हो जाता है और कुछ घंटों में ही हो जाता है। पर अगर आप यूपी आ जाते हैं, तो वहां पे तो ना ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट होती है, ना ही
आपका रेलिंक्विशमेंट डीड एग्जीक्यूट होती है, तो वहां पे आप प्रॉपर्टी कैसे बेचेंगे। तो वहां का सही तरीका ये है दोस्तों कि सपोज कीजिए कि केवल 4 लोगों को अगर वारिस है उनके, उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट ले लिया है, वारिसान प्रमाण पत्र निकलवा लिया है, तो ये चारों लोग मिलके ज्वाइंटली जो है खरीदार को सेल डीड कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से हो जाएगी और आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके वारिसान प्रमाण पत्र के बेसिस पे आप ज्वाइंटली 4 लोग मिलके सेल डीड कर पाएंगे। अगर उसमें से केवल 2 ही करना चाहते हैं, उन्हें ये लगता है कि मेरे हम दो के नाम पे विल थी और हम दो को ही इस प्रॉपर्टी का पैसा या हिस्सा मिलना चाहिए, तो ऐसे में 2 लोग जो हैं, जो बाकी 2 लोग हैं, वो अपना अनडिवाइडेड अनडिस्प्यूटेड हिस्सा जो है इन 2 लोगों को रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों को पैसा चाहिए वो सेल डीड कर सकते हैं सेलर बन के, और जो बाकी 2 वारिस हैं जिनको पैसा नहीं चाहिए वो उसी सेल डीड में कंफर्मिंग पार्टी बन सकते हैं। तो जैसे ही वो कंफर्मिंग पार्टी बनते हैं, तो इससे ये होता है कि जो पर्टिकुलर सेल उस वक्त हो रही है उसमें चारों लीगल हेयर्स की रजामंदी है, हालांकि पैसा 2 को ही जा रहा है। तो ऐसे में खरीदार को किसी डिस्प्यूट का डर नहीं होता कि कल को कोई और क्लेम करने लगे इस प्रॉपर्टी में, इस तरह का खतरा नहीं होता, तो खरीदार भी सेफ होता है और सेलर को भी अपना पूरा पैसा पूरे दाम में मिल जाता है। उसको ये डर नहीं होता कि जो प्रॉपर्टी ओनर थे, अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है कौड़ियों के भाव में बिकेगी या फिर डिस्ट्रेस सेल में कम दाम में बिकेगी, तो ऐसी दिक्कतें आपको नहीं आएंगी। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।